बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उनका बच्चों का इंटरेस्ट एरिया देखना है कि कौन सा इंटरेस्ट एरिया बच्चों का है, उस इंटरेस्ट एरिया पे हमें बच्चों पे फोकस करना है। तो अभी सारे क्लासेस में हमारे कैमरा लगा हुआ है और सारे कनेक्टेड हो जाएंगे पेरेंट्स के साथ वो कैमरा, और पेरेंट अपने बच्चों को कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख पाएंगे क्लास में कि आप खड़े होइए और इस टॉपिक पे आपको बोलना है। तो यहाँ पे हैबिचुएटेड बच्चे को करेंगे इंग्लिश में बात करने के लिए और लोगों के सामने बात करने के लिए, ताकि उनका हेजिटेशन हटे और इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोले। हम मतलब 8 तरीके के इंटेलिजेंस हैं, उन सभी पे हम लोगों ने वर्क करके बच्चों के लिए काम किया है और वो सभी इंटेलिजेंस को डालने की कोशिश की है बच्चे के पढ़ाई में, ताकि बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहे उस तरीके से उन्हें सिखाएं। जैसे कि एक मेथड होता है AVK मेथड, AVK मेथड होता है ऑडियो विजुअल किनेस्थेटिक, उस मेथड से बच्चों को सिखाना है। BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान, जो कि सारण का एक खूबसूरत स्कूल और एक बेहतरीन स्कूल देखा जाए तो इसमें कोई दुराय नहीं होगा। प्रिंसिपल मैम है, कई वर्षों का इनके पास एक्सपीरियंस है। जब भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी मंच के माध्यम से, 28 फरवरी को इस स्कूल का इनोग्रेशन था, तब हम लोगों ने सुना कि कई ऐसे स्कूलों में मैडम एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत थी, लेकिन अब दरबार इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यरत हैं। मैडम, स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमको। जी, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा तस्लीम है और मैं प्रिंसिपल कम एकेडमिक डायरेक्टर के पोस्ट पे यहाँ पे हूँ। और द रॉयल इंटरनेशनल स्कूल मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सब कुछ बहुत हटके लगा, अलग लगा। आप देखें, अगर सिवान, छपरा और जैसे सारण इलाके में अगर आप देखते हैं तो इधर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई स्कूल है। जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग दे हैव बिल्ट, दैट काइंड ऑफ स्कूल वी कैनॉट फाइंड एनी वेयर यहाँ पे इन सारण, आई कैन से। तो सारण में और इतना अच्छा स्कूल बिल्टअप करना और चलाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और यहाँ का जो अप्रोच है बच्चों को पढ़ाई का, जो अप्रोच है वो अप्रोच है कि इंटरनेशनल करिकुलम विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो इंटरनेशनल करिकुलम भी हम लाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे हम लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ पे हम लोग IB बोर्ड, IGCSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, ये तीनों बोर्ड के बुक्स को मर्ज करके और मतलब जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो हमने IB बोर्ड से लिया, जो कि हमारे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में सिखाएंगे बच्चों को। और जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ICSE बोर्ड से, जैसे सब्जेक्ट्स लिटरेचर वगैरह है, तो हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे रिसर्च करके बुक्स लिए हैं, लेकिन सारे बुक्स CBSE के ही होंगे, लेकिन रिसर्च किया है कि कौन से बुक्स क्लोज टू हैं उसके, जो कि बहुत अच्छा लिटरेचर बच्चे को दे पाए। CBSE आप जानते ही हैं कि CBSE हमें फॉलो करना है, और CBSE में भी बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव बुक्स हैं जो कि बच्चों को बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। और अब तो NEP 2020 के तहत सारे बुक्स जो है वो नए तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, और अब सारे बुक्स जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ही हैं। जैसे एक मेथड होता है AVK मेथड, ऑडियो विजुअल एंड काइनेस्थेटिक, हमने उसी पे फोकस किया है और उसी पे फोकस करके हमने अपने यहाँ पे द रॉयल इंटरनेशनल स्कूल को हमने बिल्टअप किया है। मैडम, एक सवाल ये है कि मोटिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना है स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस स्कूल का और आपका मोटिव क्या है, बच्चों को क्या माइंड को रीड करके उस हिसाब से उसको उस सांचे में ढाल दिया जाएगा? जी जी बिल्कुल, इसलिए मैंने AVK मेथड बताया। देखिए, बच्चों में बहुत सारे, हम सभी के माइंड सेटअप चेंज होते हैं और बच्चों में पोटेंशियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स होते हैं, हर क्षमता उनमें बहुत होती है और माइंडसेट अलग होता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर आपका साइंस में अच्छा है तो वो मैथ में भी अच्छा हो या वो इंग्लिश में भी अच्छा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो मेथड बताया AVK मेथड, वो AVK मेथड क्या होता है, ऑडियो विजुअल किनेस्थेटिक। उसमें क्या है कि हमने स्मार्ट बोर्ड जो इम्प्लीमेंट किया है, जो बच्चों को आप लोग रीड करके, आखिर बच्चा किस सांचे में जाना चाहते हैं, क्या है वो बताइए जी। हम लोगों का मेन फोकस जो है वो बच्चों पे है कि बच्चे
जिस तरीके से सीखना चाहे उस तरीके से उन्हें सिखाएं। जैसे कि एक मेथड होता है एवीके मेथड, एवीके मेथड होता है ऑडियो विजुअल किनेस्थेटिक, उस मेथड से बच्चों को सिखाना है। कोई बच्चा होता है जो सुन के सीखते हैं चीज़ों को, कोई बच्चे होते हैं जो वीडियो देख के या सामने से देख के सीखते हैं चीज़ों को, कुछ होते हैं जो करके सीखते हैं, जैसे कुछ काम आप दे करने के लिए तो करने से सीखते हैं। तो हमारा ये तीनों मेथड हमने मर्ज कर दिया है, तीनों मेथड से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों में ऑडियो विजुअल किनेस्थेटिक तीनों तरीके से बच्चों में विकास हो सके। और बच्चे जो बच्चे ऑडियो के तरीके से नहीं सीख पाते हैं या वीडियो के तरीके से या किनेस्थेटिक तरीके से, वो तीनों तरीके से उन लोगों को सिखाने की हम लोगों ने कोशिश हम लोग करेंगे। क्लास 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। आपको कुछ और मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे हम लोगों ने ये बहुत फोकस किया है मल्टीपल इंटेलिजेंस पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान में बहुत तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे एक होता है कि बहुत लोग नेचर स्मार्ट होते हैं, बहुत लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, बहुत लोग डांस के लिए स्मार्ट होते हैं जैसे काइनेस्थेटिक, बहुत लोग स्पोर्ट्स में बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, बहुत लोग लिटरेचर में स्मार्ट होते हैं जो कि शायरी वगैरह करते हैं या फिर बुक्स लिखते हैं, बहुत लोग लैंग्वेज में बोलने में स्मार्ट होते हैं जो कि नेता बनते हैं। तो हम मतलब 8 तरीके के इंटेलिजेंस हैं, उन सभी पे हम लोगों ने वर्क करके बच्चों के लिए काम किया है और वो सभी इंटेलिजेंस को डालने की कोशिश की है बच्चे के पढ़ाई में ताकि बच्चा हर तरीके से सीख पाए। जिस भी माइंड में उसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है उस तरीके के इंटेलिजेंस से बच्चा सीख पाए। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टीचर सोचेंगे अगर बच्चे करना क्या चाहते हैं, पायलट्स को नहीं सोचना है कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, कुछ टीचर उसको गेस करेगा कि बच्चा किस एग्जैक्टली। बच्चों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उनका बच्चों का इंटरेस्ट एरिया देखना है कि कौन सा इंटरेस्ट एरिया बच्चों का है, उस इंटरेस्ट एरिया पे हमें बच्चों पे फोकस करना है। सपोज बच्चे का इंटरेस्ट एरिया है स्पोर्ट्स में तो स्टडी भी हम देंगे और स्पोर्ट्स में स्पेशली बच्चों को फोकस करेंगे कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। किसी बच्चे का शौक है डांस तो स्टडी तो साथ में चलती रहेगी लेकिन उस बच्चे को हम लोग डांस में भी फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा उन लोगों को देंगे कि भाई वो डांस में आगे बढ़ सके और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसे वो करने दीजिए। देखिए हम लोगों ने तो सोचा है कि मंथली पीटीएम कॉफी विद प्रिंसिपल रखेंगे, मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखेंगे और स्कूल स्टार्ट होने से पहले 2 सेशन हमें रखना है। एक तो पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें पेरेंट को ओरिएंट करेंगे कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनको क्लासरूम में लेके जाएंगे और जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे वैसे पेरेंट्स को पढ़ाएंगे हम उस टाइम कि आप देखिए कि ये टॉपिक अगर हम इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो कैसे सीखेगा आप जैसे सीख रहे हैं। उसके बाद एक और हमारा होगा KYT जिसमें नो योर टीचर होगा, जिसमें कि पेरेंट्स को पहले बुलाया जाएगा और उसमें सारे टीचर से उनके क्लास के मिलाया जाएगा कि ये टीचर हैं, आपके बच्चे को ये सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ाएंगे, ताकि उनके बच्चे के बारे में जो भी बातें हैं वो अब क्लास टीचर्स को बता सकें कि मेरे बच्चे में ये कमी है, मेरा बच्चा ये नहीं करता है, मेरा बच्चा वो नहीं करता है, तो वो क्लास टीचर को बता देंगे तो बच्चे पे स्पेशली ध्यान दिया जाएगा। सपोज किसी बच्चे को कोई बीमारी है और पेरेंट्स जो है वो बताना चाहते हैं टीचर को कि या प्रिंसिपल को कि भाई मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बच्चे का केयर किया जाए, तो उसी के लिए मेन उसी चीज़ के लिए हम लोग ये नोयो टीचर का डाल रहे हैं कि वो नोयो पेरेंट्स भी हो जाएगा, नोयो टीचर्स भी हो जाएगा। जैसे टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को जान लेंगे और पेरेंट्स टीचर को जान लेंगे तो बच्चे के और पेरेंट के बीच में जो गैप होता है ना टीचर और पेरेंट के बीच में, गैप क्या हो जाता है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर से मिलते नहीं है, टीचर पेरेंट्स से मिलते नहीं है तो बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और जानकारी अगर बच्चे के बारे में नहीं है प्रॉपर तरीके से तो बच्चों के ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे फैसिलिटीज की अगर बात बोलें तो फैसिलिटीज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दी गई है। हाँ नहीं वो तो फैसिलिटी आपने देखा है लेकिन 2-4 ऐसे फैसिलिटीज हैं जो कि मैं स्पेशली बताना चाहूंगी। जैसे किसी भी बंदे को सर्वाइव करने के लिए यू नीड 3 सब्जेक्ट्स, आपको 3 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको दुनिया में अगर सर्वाइव करना है। फर्स्ट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सेकेंड वन इज़ साइंस, क्योंकि साइंस इज़ एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। थर्ड वन इज़ मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के आप कहीं डे टू डे अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे हमने स्पेशली फोकस किया है और वो फोकस है जैसे इंग्लिश के लिए हमने पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट की है जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को देखते हेजिटेशन बहुत रहता है। 10 लोग अगर सामने आके खड़े हो गए तो बच्चे हेजिटेट करते हैं बात करने में, लेकिन यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के प्लेटफॉर्म से बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि एक कोई टॉपिक दिया उसको बोला कि भाई आपको इस पे 5 लाइन बोलना है,
ठीक है. द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट स्पीकिंग, मे बी पहले बच्चे जो है वन सेंटेंस और टू सेंटेंस दे विल स्टार्ट स्पीकिंग, बट धीरे धीरे जब वो बच्चों को आदत हो जाएगी पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस की, तो दे कैन ओनली मेक फोर सेंटेंसेस, फाइव सेंटेंसेस, टेन सेंटेंसेस वो कर सकते हैं. तो उसमें क्या है कि हम सारे क्लास में बच्चों के सामने उनको बोलेंगे कि आप खड़े होइए और इस टॉपिक पे आपको बोलना है. तो यहाँ पे हैबिचुएटेड बच्चे को करेंगे इंग्लिश में बात करने के लिए और लोगों के सामने बात करने के लिए, ताकि उनका हेजिटेशन हटे और इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोले. पेरेंट्स बात कर रहे थे, कैमरा लगाया गया है जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, पेरेंट्स कहीं भी होकर देख सकते हैं. जी जी वो है, लेकिन इससे पहले मैं कंप्लीट करना चाहूँ. मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों ने अबैकस क्लास का स्टार्ट किया है, जिसमें कैलकुलेटर से भी फास्ट जो है बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर पाएंगे. कैलकुलेटर से भी फास्ट ऑटोमेटिक फिंगर से वो करेंगे. एक अबैकस का टूल आता है, उस टूल से बच्चे पहले सीखेंगे, फिर जब वो उस पर हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो वो अपने फिंगर से सिर्फ वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. कैलकुलेटर मोबाइल जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल उस चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, कैलकुलेटर मोबाइल इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. तो अबैकस के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें. साइंस के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हम लोगों के पास साइंस किट है. साइंस किट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, और हमारे जो भी बुक्स वगैरह हैं वो सारे जो है वो किट के साथ आ रहे हैं, ताकि बच्चों के लिए बेस्ट दे सके हम अपने तरफ से. और जहां तक आपने कहा कैमरे की बात, तो अभी सारे क्लासेस में हमारे कैमरा लगा हुआ है और सारे कनेक्टेड हो जाएंगे पेरेंट्स के साथ वो कैमरा, और पेरेंट अपने बच्चों को कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख पाएंगे क्लास में.